सर मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और मैं फालना स्टेशन पे हूँ राजस्थान में। या जितनी भी लड़कियां जो फॉर्म भर रही हैं, तो उनको घर के आसपास ही स्टेशन मिल जाता है कि उनके चुनने के आधार पर भी ये चीजें डिपेंड करेंगे। क्या क्या आपको अलग से बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे रेलवे यात्रा के दौरान जो बेनिफिट मिलते हैं, या और भी क्या बेनिफिट होते हैं जो बाकी सभी नौकरियों से थोड़ा अलग हो जाता है रेलवे के लिए? तो मैथ्स की तैयारी राइट आपने सर, कैसे करी थी, कितना प्रैक्टिस करा, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि खास करके लोग कहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा मैथ्स से दूर रहती है। वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सिचुएशन कुछ भी हो, आप ना अदर काम का जो टाइम है वो कम करो, बट आपकी जो स्टडी टाइम है उसको बस प्रॉपर वे में रखो। वैकेंसीज नहीं आ रही तो आपके स्टेशन पे कमी है लोगों की? आपके स्टेशन पे कितने स्टेशन मास्टर हैं अभी? अगर कोई नया स्टेशन मास्टर जाता है तो उसकी ट्रेनिंग की सैलरी कितनी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी कितनी है? और अभी थोड़ा सा जैसे इस जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे अभी मानिए 2-3 दिन पहले झारखंड में हुआ था, उससे पहले बिहार में एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन चालक, इसमें किसकी जिम्मेदारी माना जा सकता है कि भाई? तो जो रेल मंत्री जी ने कहा था कि कवच आ रहा है, कवच में होगा क्या कि एक रेलगाड़ी के पास कवच अपना रहेगा, दूसरी राइट कवच उससे होगा, तो ऐसा कुछ है कि अभी नहीं हुआ ये सब? सबसे पहले पूनम, आपकी जो है वो ज्वाइनिंग किस स्टेशन पर है और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन करे हुए? सर मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और मैं फालना स्टेशन पे हूँ राजस्थान में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं, तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? राजस्थान के आसपास ही हैं या कहीं और की हैं? हाँ जी सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, जयपुर की। आरआरबी जयपुर की, और आपको राजस्थान में मिल गया, तब तो ठीक है। घर के कितनी दूरी है आपसे? सर 6 आवर्स के डिस्टेंस पे है वो। चलिए, मतलब पास ही है। तो क्या ऐसा होता है कि आरआरबी में जितने भी फीमेल्स हैं या जितनी भी लड़कियां हैं जो फॉर्म भर रही हैं, तो उनको घर के आसपास ही स्टेशन मिल जाता है कि उनके चुनने के आधार पर भी ये चीजें डिपेंड करेंगे? सर ऐसा नहीं है, ये तो फुली आपके एग्जाम एंड मार्क्स वगैरह पे ही डिपेंड करता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छा, आपने जयपुर ही एनटीपीसी में साथ जोन चूज करने का ऑप्शन आता भी है, मुझे अभी ध्यान नहीं, क्योंकि 19 की भर्ती थी। सर एक्चुअली में नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर मैं जयपुर जोन चूज करती, मेरा हाँ जोन ही अजमेर है। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी एनटीपीसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि फीमेल्स जब ज्वाइन होती है एनटीपीसी में, तो बहुत सारी भर्तियां हैं, लेवल 2 से लेवल 6 राइट तक की नौकरी मिलती है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल सर, लेवल 6 में 2 नौकरियां हैं, एक है कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जो शायद इस बार रेलवे नहीं निकाल रहा है, राइट सर, नहीं मैं हाँ, और दूसरा है स्टेशन मास्टर का। तो अगर फीमेल्स के लिए देखा जाएगा, लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छी नौकरी दोनों में से कौन सा है, एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर या कॉमर्शियल अप्रेंटिस? कॉमर्शियल बोलूंगी। कॉमर्शियल ज्यादा अच्छा है लड़कियों के लिए, खास करके थोड़ा बिल्कुल सर, सा दौड़ भाग वहां उसमें पे कम। पब्लिक डीलिंग है बट उससे मेंटली प्रेशर कम है तो वो बेटर है। अच्छा, मतलब पब्लिक डीलिंग कम है कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। नहीं, वहां पे पब्लिक डीलिंग है और मेंटली प्रेशर कम है, जैसे पब्लिक डीलिंग में क्या क्या काम होता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस में? मतलब लोगों की जो भी सॉल्यूशन सॉरी कंप्लेन वगैरह होती है वो सब देखना, और स्टेशन पे कोई भी कंप्लेन जो होती है वो हमारे थ्रू आगे जाके उनको सॉल्व करनी पड़ती है। मतलब अच्छा, आपका बेसिकली काम क्या होता सिंपली है? बेसिकली सर फर्स्ट तो होता है कि स्टेशन पे आने वाली गाड़ियों के मोमेंट को कंट्रोल करना, अच्छा, मतलब कौन सी गाड़ी स्टेशन पे रुकेगी और कौन सी वाली थ्रू जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में होता ये है, पब्लिक को जो भी जोन से वो रिलेट करती है उससे डील कराने का काम स्टेशन मास्टर का होता है। पब्लिक वहां पे स्टेशन मास्टर को जानती है और स्टेशन मास्टर आगे जो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उनको जानता है, तो डायरेक्टली हमें बट इनडायरेक्टली हम उनसे रिलेट करवा देते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कोई स्टेशन है और उस पे अगर मान लीजिए हम ही जाते हैं और हमने कहा कि भाई ये वाली ट्रेन कब आएगी, तो नॉर्मल जैसे वहां पर अब क्या क्या सीसीटीसी बैठे होंगे या और भी कई सारी क्वेरी के लिए बैठे होते कि हाँ ये स्टेशन इतने बजे आएगी, तो अब अगर हमें लगा कि नहीं हम वहां पर नहीं समझ पा रहे और हमने वहां पर लड़ाई शुरू कर दिया कि यार तुम लोग सही नहीं बता रहे हो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं करो, दुनिया भर की कई सारी चीजें, तो इसके ऊपर फिर जिम्मेदारी के लिए कौन आएगा कि भाई क्यों लड़ाई हो रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं होगा? ये अब जिम्मेदारी हमारी आ जाती है, मतलब वो लोग ऐसे ऑप्शन जब रहते हैं कि सामने वाला पर्सन या पैसेंजर में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है तो वो फिर हमारे पास आते हैं, देन हम पे है कि उस तरीके को उस मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करे किया जाए। अच्छा, तो एक हिसाब से फाइनल जो आपके पास आएगा वो, मतलब फाइनल जो भी चीज होगी वो आप ही लोग देखेंगे कि हाँ क्या हो गया मामला, कैसे समझा सकते हैं उसको, उस हिसाब से शांत करना कि भाई साहब इतना मत गुस्सा राइट सर, हो। एक तरीके से देखा जाए तो एक ही गेट स्टेशन का जो है
अगर स्टेशन मास्टर वहां पे है तो वो वहां का मतलब क्या बोलो उसी के सर्विस अंदर में आता। आएगा कंप्लीट। हाँ सर्विस बिल्कुल आता है एक सर, हिसाब से, कि भाई जैसे क्लास में क्लास मास्टर है, शोर हुआ या कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखता है उसी तरीके से आपसे। राइट सर, ठीक है। एवरीथिंग। और अभी थोड़ा सा जैसे इस जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए 2-3 दिन पहले झारखंड में हुआ था, उससे पहले बिहार में एक एक्सीडेंट हो गया बचा, इसमें किसकी जिम्मेदारी माना जा सकता है कि भाई जैसे झारखंड वाला बेसिकली क्या हुआ था कि एक मेल थी, मुंबई मेल, वो जा रही थी, पहले से ही रास्ते में मालगाड़ी का ऑलरेडी 2-3 बोगी जो है वो पटरी से उतर गया था, डिरेल हो गया था, तो वो जाके उसी से टकरा गई थी, इसमें किसकी जिम्मेदारी मानी जा सकती है? और जो रेलवे का सिस्टम बना हुआ है वो इस तरीके का बना हुआ है कि जहाँ की भी गलतियां नहीं हो सकती, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स तो जो है वो ह्यूमन ओरिएंटेड हैं, बट हम डायरेक्टली किसी को बस पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट जो सिस्टम है वो कभी गलत नहीं करेगा। एक पटरी पे सिस्टम कभी दूसरी गाड़ी नहीं भेजता है। तो जो रेल मंत्री जी ने कहा था कि कवच आ रहा है, कवच में होगा क्या कि एक रेलगाड़ी के पास कवच अपना रहेगा, दूसरी राइट कवच उससे होगा, तो सर, ऐसा कुछ है कि अभी नहीं हुआ ये सब चीजें? नहीं है वो अभी तक वर्किंग में नहीं आया, और अगर आया तो भी उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद तो काफी टक्कर हमने देख ली है, हेड टू हेड हाँ। भी देखी है, तो वो चीज तो नहीं बोल सकते। नहीं और वंदे भारत आया हुआ है, और लगभग देखा जाए तो हर स्टेशन पे वंदे भारत चल रहा है, क्या आपके स्टेशन में वंदे भारत चल रही है? तो राइट सर, हाँ वंदे भारत रुकता है पाना वंदे में। भारत पे जैसे अभी ये बताते हैं लोग कि एक तो सुविधा बहुत अच्छी मिलती है, खाने पीने का हर चीज का राइट सर, व्यवस्था वहां पर होता है, तो उसको भी क्या एयरपी वाले लोग ही चलाते हैं कि कोई दूसरे ज्वाइनिंग वाला आदमी चलाता है? नहीं सर, बस उसमें थोड़े से फीचर्स अलग है, तो ऐसा है उनके लोको पायलट को एक अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकी वही होते हैं। वो रिक्रूटमेंट अलग होता है, वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं कि सरकारी से ही नहीं होता है वंदे सर, भारत? गवर्नमेंट से ही होती है, सेम एएलपी में से कुछ कुछ चूज करके वो ट्रेनिंग देके फिर वंदे भारत उनको हैंड ओवर जो थोड़ा सा कर उन्हें लग रहा है देते एक्सपीरियंस हैं। है, जो वंदे भारत को चला सकते हैं, उनको एक और अच्छा ट्रेनिंग देके वो काम करवाते हैं। राइट सर, तो अभी जिस हिसाब से लोगों की संख्या मान लीजिए बढ़ रही है, पैसेंजर हर साल बढ़ रहे हैं, लोग जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रेनों की संख्या भी खूब बढ़ रही है, पटरियां भी खूब बिछ बिल्कुल रही सर। है, वैकेंसीज नहीं आ रही, तो आपके स्टेशन पे कमी है लोगों की? आपके स्टेशन पे कितने स्टेशन मास्टर हैं अभी? सर हमारे 5 मास्टर की रिक्वायरमेंट, और उनमें से हम 4 हैं, और आसपास फुल रिक्वायरमेंट मतलब हो गई है, तो ऐसे में मैं नहीं बोल सकती कि कमी है, ये मोर देन इनफ मैं बोलूंगी। शायद यही रीजन है कि इस बार स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं आई है। हाँ कम आई है लेकिन कम आई है, जैसे पिछले बार 6,000 के आसपास थी, वो थोड़ा सा कम, पिछले बार ही सबने ज्वाइन कर लिया है। अभी थोड़ा पढ़ाई पे हाँ आते हैं पूनम, जैसे आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 2019 वाली भर्ती से हुई, जिसका 22-23 में जाके फाइनल कंफर्मेशन हुआ था सब कुछ, तो तैयारी आपने कब शुरू बिल्कुल करी सर। यार, सर एनटीपीसी की तरफ आप क्यों आई, इससे पहले क्या करती थी आप? मैंने 18 से स्टार्ट किया था, और उससे पहले मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, लास्ट तक भी देखा जाए तो मैं उसी की कर रही थी, बट एनटीपीसी क्लियर हुआ, देन सीबीटी 1 2 साइको तक आने के बाद तो बोल सकते हैं कि इसी पे ही मेन फोकस आ गया था। अच्छा, जब एसएससी आप कर रही थी लेकिन जब 19 की भर्ती आई थी तो फॉर्म भर दिया था, फिर पेपर सोचा होगा होगा नहीं बिल्कुल हुआ, फिर 22 में अचानक से पेपर शुरू हुआ तो फॉर्म CBT1 दिया, क्वालिफाई हो गया, तो लगा कि भाई कर सकते हैं, और एमडी क्लासेस की राइट मुलाकात सर। आपकी इस जर्नी में कहाँ से हुई? सर देखा जाए तो काफी स्टार्टिंग से था, और जैसा कि मैंने कहा मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो रेलवे से रिगार्डिंग जितनी भी बोल सकते हैं नोटिफिकेशन है वो हाँ मुझे एमडी क्लासेस से मिली। बिल्कुल, अच्छा, और तो क्लासेस में कैसे एनटीपीसी फायदा, मतलब जो फाइनली कब जुड़ी थी आप एनटीपीसी के लिए एमडी क्लासेस पर, कि अब मुझे यहीं से तैयारी करनी है? सर, एक तो जीके का बोल सकते हैं मेरी वो बहुत पोवर थी, तो मुझे एक सोर्स चाहिए था जो कि एक मीठे का वक्त बोल जीके सकते विशाल हैं सर लेके कि चलते हैं। राइट सर, तो एक तो जीके ने मुझे काफी हेल्प की, CBT 1 2 एंड हो सकते साइको, तो A to Z कंप्लीट मेरा यहीं से हुआ है, क्योंकि वहां पे मैं नील थी, कुछ भी मुझे क्लियर नहीं था कि साइको होता क्या है कैसे, तो वो कोर्स मैंने लिया था एंड लास्ट तक कंप्लीट भी किया, एंड हाँ अच्छा रहा साइको में सब थोड़ा कुछ। सा बच्चे को भी सबके लिए नया था, 2019 के पहले बिल्कुल 15 सर, की भर्ती थी जो लगभग बच्चे नहीं भरे थे फॉर्म, तो सबके लिए नया था, साइको में बड़ी समस्या आई थी, वर्मा सर ने इस चीज को संभाला, फिर जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई, कई सारी चीजें आई, तो उसमें हमने भी कुछ क्लासेस करी थी, तो आपने फिलहाल साइको और बैच से जुड़ के अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा, उससे सिलेक्शन भी अच्छे रहते हैं। बहुत अच्छा रहा सर, सीरियसली मैं उसे बहुत हैप्पी हूँ। और आपने रैंकर्स भी टेस्ट ज्वाइन करा था क्या, कि जिसमें आपको टेस्ट सीरीज आप लगातार देख रही थी, सोल्यूशन दे रही थी आप? सर टेस्ट सीरीज तो मतलब मुझे हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ मिल रहा था मैंने सब दी, पर मैं अभी हाँ बच्चों को ये सजेशन दूंगी कि इस तरीके से मल्टीपल उस पे ना जाए, मतलब बुक्स आपकी लिमिटेड होनी चाहिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, ऐसे ही अगर आप कोर्स वगैरह लेते हो तो एक पे स्टे करो, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, मतलब बच्चा कहीं एक जगह आए, भरोसा करे, वहां से पूरी पढ़ाई कर ले, टेस्ट सीरीज एमडी क्लासेस पर दे, और भी 2-3 जगह जहां दे सकते हैं वहां टेस्ट सीरीज दे, ताकि उसे अपनी पूरी तैयारी पता चल पाए कि बिल्कुल भाई कैसे क्या करना है, कहाँ कमी है और कैसे बेहतर कर पाए।
राइट सर, मैं सिलेबस तो एक के लिए बोलूंगी, बाकी ये सब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे सकते हैं। और जैसे अब हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज पे आते हैं पूनम, कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो चुका, तो बच्चा जानना चाहता है कि मैथ्स, क्योंकि एनटीपीसी CBT 1 में आती है, CBT 2 में आती है, सब कुछ सेम आता है, CBT 1 में भी CBT 2 में भी, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाता है। तो मैथ्स की तैयारी आपने राइट सर, कैसे करी थी, कितना प्रैक्टिस करा, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, क्योंकि खास करके लोग कहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा मैथ्स से दूर रहती है, वो उतना फोकस नहीं लगा पाती, ऐसा है? एक्चुअली सर मेरा मैथ्स बेस्ट सब्जेक्ट रहा है और मैं साइंस मैथ्स से ही हूँ, तो मुझे वहां पे प्रॉब्लम नहीं आई। अदरवाइज मेरी फ्रेंड को मैंने देखा है मैथ्स सब्जेक्ट की वजह से उसने ये फील्ड ही छोड़ दिया, तो यस जो यार, लोग बोलते हैं वो सच तो बोलते हैं, तो कि मतलब थोड़ा सर मैंने सा मैथ्स के। जब हम लोग पेड में भी पढ़ाते हैं खास करके, क्योंकि लड़कियां पेड ज्वाइन कर लेती हैं वो तुरंत, मतलब वो, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि भाई यूट्यूब पर अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो वो आ जाती हैं पेड में पूरा भरोसा करके। तब राइट सर, क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस को, छोटी छोटी चीजें पूछते हैं तो वो गलत कर देते हैं, तो हम लोग के भी हर एक चीज बेसिक से लेके चलना पड़ जाता है कि भाई ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो उस हिसाब से पढ़ो। तो ये बात सच है कि थोड़ा सा उन्हें डर लगता है, लेकिन इतना भी डर नहीं है, क्योंकि आपने कर दिखाया तो वो भी कर सकती है बड़े आराम से। कर सकते हैं, और एक बस ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो बेसिक से लेके चले, तो डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपके कितने भाई बहन हैं पूनम अभी? सर मेरे 2 भाई बहन हैं, दोनों छोटे हैं, मतलब अच्छा, एक भाई, दो भाई, एक भाई एक बहन, एक एक भाई, भाई क्या एक बहन। कर रहे हैं अभी बोलो। सर वो दोनों ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, उन लोग की 12th ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी है, प्रिपरेशन पर आ गए हैं, उनकी ग्रेजुएशन हो क्या चुकी क्या है। चीज की तैयारी कर रहे हैं? भाई SSC की कर रहा है और बहन NTPC प्लस बैंक की कर रही है। अच्छा, बहन को भी आपके तरीके से स्टेशन मास्टर बनना है? राइट सर, वो आपकी क्लासेस से ज्वाइन भी है। अच्छा, क्लासेस जुड़ी हुई है, जैसे पिछली बार आपसे जब बातचीत होती तो शायद आपके सिस्टर से ही बातचीत करके हम लोग यहाँ पहुंचे थे। देख, अभी आप ही के साथ रह रही है, कहीं और भी रहती है? सर वो साथ ही रह रही है। सर तो पूरा ध्यान आपका रहता है कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ? थोड़े बड़े हो गए तो जल्दी से मानते नहीं है, पर मेरा यही रहता है कि आप ना एक तो कंटिन्यूटी मत छोड़ो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन कुछ भी हो, आप ना अदर काम का जो टाइम है वो कम करो, बट आपकी जो स्टडी टाइम है उसको बस प्रॉपर वे में रखो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राइट तो तैयारी अच्छी चल रही है उसका भी, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 10,000 के आसपास पद देखने को सर, मिलेंगे। बहुत और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट अभी तो हम लोगों ने पेड बैचेस के लिए नहीं लेकर आए, वो भी अगस्त में ही लेकर आएंगे, मिड में या लास्ट में। और बाकी जो भी आप कहना चाहती है नए बच्चों के लिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, या MD क्लासेस के बारे में जो भी आपको अच्छा लगा हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए, और मैं MD क्लासेस को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ से जो हर एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आपने स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू रखिए, डेफिनेटली आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिक्स का प्रॉपर वे में ध्यान रखिए, जैसे कि आपने बोला मैथ्स में गर्ल्स को प्रॉब्लम आती है, तो जिस लेवल पे स्टार्ट करते हैं टीचर पढ़ाते तो वो मैच नहीं हो पाता है, तो बेसिक अगर यहाँ पे हो रहा है तो डेफिनेटली वो इजी वे में कनेक्ट कर पाएंगे और फिर सक्सेस भी मिलेंगी। तो बस बेस्ट ऑफ लक बाकी सबको जो भी NTPC स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आगे कोई और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रही हैं अभी कि नहीं कर रही? सर आगे SSC का भी वापस आया है, फॉर्म तो मैंने फिलअप किया है, और इसके अलावा बाकी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट अभी रेलवे में ही है, इसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं तो मैं उस पर फोकस करना ज्यादा प्रिफर कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि भाई चलिए अब लगभग जाना पहचाना सब कुछ हो गया, वहां पे ले सब कुछ एकदम नया होगा, सारी चीजें शुरू शुरू, यहाँ जब प्रमोशन होते जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर भी। अब रेलवे में आप इसी में अपग्रेड होते होते चले जाएंगे, तो प्रमोशंस के थ्रू वैल्यू भी बढ़ते जाती है, और रेलवे के कई सारे फायदे भी अपने अलग अलग है। राइट सर, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रेलवे में है, बट वो बोल हाँ, सकते हैं ना थोड़ा सा मन में रह गया SSC क्लियर नहीं करने का, तो हो वहां पे एक चांस तो बनता जाएगा है। वो भी। अच्छा, अभी जैसे जो भी लोग रेलवे में जॉब करते हैं, जैसे आप NTPC में स्टेशन राइट मास्टर है, कुछ लोग कॉमर्शियल अप्रेंटिस होंगे, कुछ और भी कई सारे Level 2 पे होंगे, Level 1, क्या क्या आपको अलग से बिल्कुल, बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे रेल यात्रा के दौरान जो बेनिफिट मिलते हैं, या और भी क्या बेनिफिट होते हैं जो बाकी सभी नौकरियों से थोड़ा अलग हो जाता है रेलवे के लिए? जैसे कि सर एक तो आपने ये बोला कि यस ट्रैवलिंग वाला बेनिफिट है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट है, ट्रेवलिंग वाले बेनिफिट और में क्या होता मतलब है, कितने लोग की यात्रा फ्री हो जाती है या कम हो जाता है? इसके अंदर होता है फैमिली मेंबर, जैसे मैं अगर हूँ तो मेरे हस्बैंड और अगर फ्यूचर में जो चाइल्ड रहेंगे उनके लिए ट्रैवलिंग फ्री रहेगी, और अच्छा, दूसरा सेम चीज मतलब मेडिकल माता पिता के फैसिलिटी लिए भी नहीं उनके होता है, लिए। अगर आपकी शादी हो गई तो फिर माता पिता के लिए नहीं है? राइट सर, फिर माता पिता को उसमें इंक्लूड नहीं करते। एक्चुअली जो माता पिता में जहाँ पेरेंट्स में मतलब फादर हैं, तो वहां पे माना जाता है कि फादर आपके घर के सबसे बड़े हैं, और अगर वो हैं तो फिर आपको उनकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा, कंडीशन पे। राइट तो हम लोग इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चले, अच्छा ठीक है, पापा हमारे हैं तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, या कहीं बात कर लिया कि भाई
कोई टिकट मत लेना, ये वो, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा सर थोड़ा बहुत तो चलता है, जब आप उस सिस्टम में हो तो डेफिनेटली कुछ तो जुगाड़ आपकी चलते हैं। चलेगी, बिल्कुल चलते हैं ये तो। और टिकट के अलावा क्या बेनिफिट मिलता है आप लोग को? टिकट जैसे हमारी वेटिंग वगैरह वो इजी वे में कंफर्म हो जाती है, मेडिकल का फैसिलिटी है, इसके अलावा जैसे अदर स्टेशन पे जाते हैं तो उसका भी टीए मिलता है। आई थिंक ये अदर क्या बोलते हैं जॉब्स में ये चीज नहीं है, रेलवे हर एक्स्ट्रा वर्क का आपको एक्स्ट्रा पे कर रही है। हाँ, ये थोड़ा सा फायदा। और ये भी रेलवे में कहा जाता है कि दिवाली का जो बोनस होता है, दिवाली का, वो रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मिलता राइट सर, दिवाली है। हाँ, और इसके अलावा ड्रेसेस अलाउंस मिलते हैं जो भी काफी अच्छे हैं, क्वार्टर्स पास में होते हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, मतलब अगर आप क्वार्टर में रह रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो रेलवे उसका भी सॉल्यूशन करते हैं, तो ये थोड़ी बड़ी बात है, वो सिर्फ आपको एक क्वार्टर नहीं देगी, नया वो आपको स्टेशन मास्टर उसी जो तरह बच्चा फैसिलिटीज जाएगा, देगी। अगर कोई नया स्टेशन मास्टर जाता तो उसकी ट्रेनिंग की सैलरी कितनी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी कितनी होगी? जैसे आपका तो 1 साल हो गया, तो थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट आया होगा शायद, बेसिक सेवन सेवन पे जो आपके पास कमीशन है उसमें हो सकता है, लेकिन जो नया स्टेशन मास्टर इस बार जाएगा उसकी ट्रेनिंग के समय की राइट सैलरी कितनी होने वाली है? सर, मतलब जब ट्रेनिंग में होते हैं तो बेसिक प्लस डीए मिलता है जो कि अराउंड 50 समथिंग हो जाता है, उसमें टीए हो और जब गया, आप एचआरए हो गया, जॉइनिंग ये सब नहीं मिलेगा। ये उस टाइम पे नहीं मिलता है, और बाद में तो आपको टीए एंड ट्रेवलिंग अलाउंस जो दूसरा है वो भी मिल जाता है ड्रेस वगैरह का, तो आफ्टर दैट तो मतलब 60 to 70 के बीच इजी वे में आ जाता है, एंड आफ्टर इंक्रीजमेंट मोर देन 70। बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आदमी अपना अच्छा खासा घर चला सकता है, आराम से रह सकता है, जीवन के सारे जो भी आनंद है सरकारी नौकरी बाद वो ले सकता बिल्कुल सर, है। एक जो हाँ, प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, एक मेजर प्लस पॉइंट तो वो रेलवे की सैलरी बोल सकती हूँ मैं। बिल्कुल सही बात, सही बात भी। लेवल 6 की नौकरी पे दूसरी जगह पर थोड़ा सा इतनी सैलरी नहीं मिलती, और यहाँ पर ये भी कि कभी नाइट में ड्यूटी लगी है, ये हुआ, तो उन सबके भी मिला के अच्छी खासी एक पेमेंट बन जाती है। बिल्कुल सर, चलिए, ये उन सभी बच्चों के लिए खूब मोटिवेशन है जो ये सोचते हैं कि भाई रेलवे में नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। आप देखो, अगर पढ़ोगे तो सबको नौकरी मिलेगी, और बस यही कि सही जगह डेफिनेटली चुनिए और सही जगह से पढ़िए। पूनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे कोई भी आ सकता होगी किसी भी तरीके के, बच्चों को अगर सजेशन देने का आवश्यकता पड़ेगी तो आपको जरूर कॉल करा जाएगा। ठीक है, थैंक बिल्कुल सर, यू सो मच पूनम। थैंक यू सो मच सर।